हम पहुंचे हैं सच की खोज में, उन लोगों से सच्चाई जानते हैं जो एक्चुअली फैक्ट है, जो एक्चुअली में जाते हैं डेरा सच्चा सौदा में, उनसे जानते हैं उन लोगों के क्या विचार है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, वहां के माहौल के बारे में। हम अपना नाम बताइए पहले। क्या अंजू इंसान? अंजू इंसान जी, आप कितने समय से जा रहे हो डेरा सच्चा सौदा में, पहले तो ये बताइए। मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ डेरा सच्चा सौदा से। आप बचपन से जा रहे हो, आज भी जा रहे हो क्या? हाँ जी, मैं आज भी जा रही हूँ, और मेरा एक ही बेटा है, वो यही बॉयज हॉस्टल में पढ़ता है। आपका बेटा हॉस्टल में पढ़ता है, बाबा राम रहीम जी के हॉस्टल में, क्या वहाँ सुरक्षित हैं बच्चे? मेरा बच्चा बहुत सुरक्षित है, और जैसे यहाँ संस्कार होने, पढ़ाई स्टडी है, सब कुछ इतनी केयर होती है। वो 25 अगस्त से पहले भी यहाँ पढ़ता था और अभी भी यहीं पढ़ रहा है। तो कैसा माहौल रहता है वहाँ के स्कूल कॉलेज में, और आज डेरा सच्चा सौदा में कैसा माहौल रहता है? वहाँ बहुत अच्छा माहौल है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो दिखाई जाती है टीवी पे, न्यूज़ पे। और मेरा बच्चा और बच्चों से जो दुनियादारी में है उनसे बहुत अच्छा चल रहा है, 12th क्लास में है, अभी तक उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। तो लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे जो कहते हैं कि वहाँ लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, वहाँ माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि मीडिया ने इतना कुछ जो हेडलाइंस बनी, लगातार एक ही चर्चा में रहने वाला टॉपिक था, बाबा राम रहीम जी, बाबा राम रहीम जी, इस तरह से चल रहा था, तो उसके बारे में आप लोगों को या मीडिया को क्या जवाब देना चाहोगे? जो सच्चाई है मीडिया में, न्यूज़ में, वो तो दिखाई नहीं गई। जो गुरुजी ने 133 भलाई कार्य कर रहे हैं वो नहीं दिखाए, कैसे वो बेटियों को जो वेश्या होती है उनका इलाज करवाते हैं, फिर उनकी शादियां करवाते हैं, ये सब तो मीडिया ने नहीं दिखाया, जो हम बचपन से, जो हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं खुद, और वो इतना गलत दिखाया गया जिसको लोग मान रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरुजी हमारे सच्चे हैं और सच ही रहेंगे, वो गलत नहीं है। तो वो हमारे लिए हमारे बाप है, हमारे माँ बाप की तरह हमारे केयर करते हैं, और वो सबका देश के लिए भी अच्छा काम करते हैं, जो आज से कोई नहीं कर पाया हमारे गुरुजी वो सब कर रहे हैं। तो आप उनको गुरु मानते हो, पिता मानते हो, लोग क्या कुछ बोल रहे हैं, तो लोगों को आप क्या बताना चाहोगे? कि गुरुजी को हम पिताजी बोलते हैं, वो हमारे बाप समान हैं, और वो सबके लिए ही, हमारा तो रखते ही हैं ख्याल, पूरे देश के लिए अच्छे काम करते हैं। उन्होंने हमें हमेशा भलाई के रास्ते पर चलना सिखाया है, गुरुजी ने हमें कभी भी कोई गलत, हमेशा गलत कामों से रोका ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो लोग थे जो बचपन से जा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा में, जो एक्चुअल फैक्ट है डेरा सच्चा सौदा का, हम सीधा आपको वो दिखा रहे हैं, किसी सूत्रों के द्वारा या कहीं से हम कोई आपको खबर लेके नहीं आ रहे, हम सीधी बात कर रहे हैं। आप लोग सोचिए ये किस तरह से कह रहे हैं कि क्यों नहीं मीडिया ने दिखाए जो 133 मानता भलाई के कार्य है डेरा सच्चा सौदा में चलाए जा रहे हैं, बाबा राम रहीम जी की प्रेरणा से वो समाज में, समाज के सुधार के जो कार्य हैं वो आज भी चल रहे हैं।